ये रोल है, आज उनका इतना गंदा रोल रहा, ऐसे लगा कि ये पुलिस वाले नहीं है, वाजपेयी जो है वो पुलिस वालों की वर्दी डाल के आ गए हैं। कितने जने बीमार हो जाएंगे, किसी को नज़ला है उसके ऊपर भी पानी, इतना ठंडा पानी था। ये अपने जितना मर्जी जोर लगा लें, हम झुग्गियों को तोड़ने नहीं देंगे। कहते जी हमने ट्वीट कर दिया, ना ट्वीट से पूरी दिल्ली चलेगी क्या? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है दोबारा एमसीडी में इस साल दिसंबर में, तो हमारा फर्ज बनता है कि ये जो गरीबों की आवाज़ है, झुग्गी झोंपड़ियाँ जो तोड़ने का तुगलुक की फरमान दिया है एलजी साहब ने, हम जनता की आवाज़ बन के आज सड़कों पे उतरे थे, पर हमें नहीं पता था कि इस आंदोलन में जो बैरिकेटिंग लगाई थी, ये बीजेपी वालों ने ऐसी ट्रेनिंग दी है पुलिस वालों को कि आज इन्होंने बहुत निंदनीय एक्ट किया है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के, कुछ भाई हमारे लेटे हुए थे और अपने आवाज़ जो है वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार के तक पहुंचाना चाहते थे कि कृपा करके अगर आप पक्के मकान नहीं दे सकते तो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ो मत। और इन्होंने ऐसा फरमान दे दिया है कि इतनी ठंड है, अगर सोचो अगर वो झुग्गी झोंपड़ी टूट जाएगी तो वो जो महिलाएं हैं और वो जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे इतनी सर्दी में। आपने अगर तोड़नी थी पहले उनको एक पक्का मकान देते, उसके बाद आप उनसे झुग्गी लेते। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एकदम एक फरमान दो, झुग्गियाँ उजाड़ दो और उनको सड़कों पर आने पर मजबूर कर दो। आज आम आदमी पार्टी जो है झुग्गी झोपड़ी वाले जो हमारे बहन भाई हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी आवाज़ बन के आज हम सड़कों पे उतरे हैं। और पुलिस वालों ने आज इतना निंदनीय रोल है, आज उनका इतना गंदा रोल रहा, ऐसे लगा कि ये पुलिस वाले नहीं है, वाजपेयी जो है वो पुलिस वालों की वर्दी डाल के आ गए हैं। मेरे को पहले ही इन्होंने वार्न कर दिया था कि सरदार जी पानी अभी की बौछार, पानी की बौछार कर दी है, आप अच्छा होगा यहाँ से हट जाए, नहीं तो डंडों की बौछार भी आपसे शुरू करेंगे। ठंड में सर पानी की बौछार करना ठीक है सर? बिल्कुल नहीं ठीक, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप पता नहीं किस किस को कितनी कितनी चोट लगी है, कितने जने बीमार हो जाएंगे, किसी को नज़ला है उसके ऊपर भी पानी, इतना ठंडा पानी था, मैं भी सारा भीग गया हूँ। नाली का पानी था सर? नाली का पानी था, और ये पानी जो है हमारे ऊपर तो गिरा ही गिरा, साथ में पुलिस वालों के ऊपर भी गिरा। मैंने पुलिस वालों को पूछा, मैं कहा भाई साहब आप उनको एक बार बोल देते कि हमारे ऊपर फेंको, आपके ऊपर क्यों फेंका है? तो कहते जी ये अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें भी नहीं पता था। अगर पुलिस वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड था तो सोचिए जो महिलाएं पे अपना प्रदर्शन कर रही थी उनके ऊपर पानी गया, वो किस महिलाओं को कई प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमार होती हैं, खांसी नज़ला जुकाम वैसे ही चल रहा है, तो आप उसके ऊपर ठंडे पानी की। पुलिस बताना चाहती है कि सर हम भी तुम्हारे साथ भीग गए, दिखाने के लिए ऐसा कर रही है क्या? मैंने आपको बोला ना ये पुलिस वाले नहीं थे, आज इनको मेरे को लगता है ट्रेनिंग दी गई है, ये भाजपाई वॉलंटियर थे पुलिस वालों की वर्दी में, आज इनका रोल इतना गंदा रहा। और इन्होंने पूरी धमकी दी है, इन्होंने पूरी धमकी, एक मिनट, गंभीर आरोप नहीं है। आप मेरे को ये बताओ जब हम शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो वाटर कैनन चलाने की क्या जरूरत थी? आप वीडियो खोल के देख लो, हम बैठ के सड़कों पे बैठ के अपना आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने वाटर कैनन चला दिया। आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, ये इन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि सरदार जी यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आपको इतने डंडे की शुरुआत ही आपसे करेंगे। अब बताओ इनका ये रोल है, पुलिस का ये काम है कि हम संविधान के हिसाब से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कालका जी में कह रहे हैं सर, कालका जी में कह रहे हैं 14 मंजिल के मकान बनाए, 3000 मकान बनाए कालका जी में, किसके राज में बने हैं? एमसीडी किसके हाथ में थी? एमसीडी पहले 15 साल से किसके हाथ में थी? बीजेपी के। आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज कार्य हुआ है, ये कार्य जो हुआ है बीजेपी की एमसीडी की हार की बौखलाहट है। जो हार गए हैं उन्होंने बूथ वाइज झुग्गियों को तोड़ने का, जहाँ जहाँ से हारी है बीजेपी बूथ वाइज उन्होंने झुग्गियों को तोड़ने का फरमान जारी किया है, ताकि वो झुग्गियाँ हट जाएं, वोटर हट जाएं और अगली बारी अपनी अपनी टीम तैयार करें वोटरों की।
तो ये बहुत निंदनीय एक कार्य है जो बीजेपी के द्वारा किया गया है। ये इतना शर्मनाक है कि मैं एलजी साहब से बोलूँगा, एलजी साहब दिल्ली की जनता को जीने दीजिए। कल आपने शिक्षकों को बाहर नहीं जाने दिया, आज आपने झुग्गियाँ तोड़ने का फरमान दे दिया। आप हार से बौखला गए हैं, आप हार की वजह से आप दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं। ये लोकतंत्र देश है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब से, एलजी साहब ऐसे तुगलकी फरमान निकालना बंद कर दीजिए, दिल्ली वालों को माफ़ कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ मिलके दिल्ली के हितों में काम कीजिए, ना कि आप एक भाजपाई की भूमिका निभाइए। एलजी और केजरीवाल जी के चक्कर में जनता पिस रही है सर, किसके साथ जाए? मैं आपको बताता हूँ, जो केजरीवाल जी हैं वो इलेक्टेड बाय पब्लिक किसे चुने गए आए हैं, और एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चुना हुआ व्यक्ति है, तो दोनों में बहुत फर्क है। जो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है उसको कोऑपरेट करके आगे दिल्ली को बढ़ाइए, ना कि किसी संगठन या किसी पार्टी के दबाव में आके कोई डिसीजन लीजिए। झुग्गियों के लिए क्या करेंगे सर? फेल नहीं हुआ, आप इसको गलत भाषा दे रहे हैं, ये फेल हुआ है। मैं कहता हूँ ये पास हुआ है। आज हमने इतना अच्छा आंदोलन किया कि इनको लठ और पानी चलाने की मजबूरी बन गई इनकी, पर अब यहाँ से क्रांति शुरू होगी। जो हमारी पार्टी का डिसीजन होगा, जो पार्टी आगे रणनीति बनाएगी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरदार भगत सिंह जी के असूलों पर चलते हुए झुग्गियाँ टूटने नहीं देंगे। आज ये अपने जितना मर्जी जोर लगा लें, हम झुग्गियों को तोड़ने नहीं देंगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? इतना सीरियस मैटर है, झुग्गियाँ टूट रही हैं और राहुल गांधी को बीच में ला रही है जिसके पल्ले अल्ले कुछ है ही नहीं। दिल्ली में नाम तक नहीं है। आप कांग्रेस का नाम लेके कहीं बाइट तो लो, वो तो बेचारे तरस रहे हैं हमारी बाइट ले कोई। तो आप भारत जोड़ो यात्रा, वो सिर्फ बार बार है, दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली में आई थी, पता लगा आपको? किसी का यहाँ पर जितने भी मीडिया वाले, किसी को पता लगा? नहीं पता लगा। तो भारत जोड़ो छोड़ो यात्रा को छोड़ो, वो भारत छोड़ो कांग्रेस का, हम दिल्ली में उसके साथ। मैं 10 लाख चल रहे थे ना, कहाँ आया? ना न्यूज में आया, ना मीडिया में आया, सिर्फ कांग्रेसियों के फेसबुक पेज में आया बस। और आप वो बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस टाइम लड़ाई है झुग्गी वालों की। सर, हमने 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 आश्वासन दिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा कि झुग्गियां नहीं तोड़ने देंगे, क्या आपको लग रहा है कि आपका आश्वासन इनकी झुग्गियों को रोक पाएगा? बिल्कुल रोकेगा। कैसे रोकेगा? जब झुग्गी वाला, एक एक झुग्गी वाला हमारा भाई बहन जब सड़कों पे उतरेंगे और एक आंदोलन की भूमिका होगी, एक ऐसा सिस्टम बनेगा, तो इनको फैसले लेने पड़ेंगे। जब एक मिनट, जब किसान सड़कों पे उतरे थे उन्होंने भी अपनी बात मनवाई, ये तो फिर एलजी है। झुग्गी वाले जो हैं जब उतर गए ना एक बारी, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये ट्रेलर है। जिस दिन ये खुल के उतर गए ना, तो एलजी साहब ये वापस लेंगे और माफी मांगेंगे झुग्गी वालों से। हम तुगलकाबाद गए सर, आठ आठ परिवार है, एक कमरे के मकान में कैसे रहेंगे? जो प्रधानमंत्री योजना में जो मकान दिए उनकी भी समस्या है सर। क्या बोल रहे? उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के एक कमरे का मकान है, इसमें एक लेटरिन बाथरूम है। हमारे 8 बहू बेटी बच्चे परिवार है, वो एक कमरे में कैसे रहेंगे? और 1.5 लाख रुपए लिया है उनसे मकान में, और 3,000 मकान बनाए। किसने लिया? प्रधानमंत्री जवाब देंगे इसका? हम क्यों दें? हम तो कहते हैं अगर 8-8 जने एक कमरे में रह रहे हैं तो उनको ज़्यादा बना के दो, और बना के दो, पर पर्सन के हिसाब से, मतलब 4 जनों को एक कमरा, 3 जनों को एक कमरा, ऐसे देना चाहिए। आप ही बोल रहे हैं उनकी कमियां, आप ही बता रहे हैं, तो गलत कौन है? ये जनता ने दिखाया सर। मैं वही कह रहा हूँ, सर्वे करके आए थे, पर ये गलती तो प्रधानमंत्री जो योजना है उनकी है ना, उनको ये देखना चाहिए कि एक कमरे में कितने जने रहेंगे, तो ये तो सारी गलती उनकी है। आप यही सवाल अब एलजी साहब से पूछो, उनके पास जवाब नहीं होगा। कहते हैं जी हमने ट्वीट कर दिया ना, ट्वीट से पूरी दिल्ली चलेगी क्या? ट्वीट से सरकारें चलेंगी क्या? अगर ट्वीट से सरकारें चलेंगी, सारा चलेगा, तो सेक्रेटेरिएट खत्म कर दो,
एलजी हाउस एलजी ऑफिस खत्म कर दो, ट्वीट से ही करो, ट्वीट ट्वीट खेलो। आम आदमी ट्वीट नहीं करती है, आम आदमी ट्वीट के साथ साथ काम भी करती है। वो पहले बताते हैं हमने ये करने जा रहे हैं हम, और एलजी और मोदी साहब क्या करते हैं, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते। दिल्ली चमका रहे ना G20 की वजह से सर, दिल्ली चमकाने में लगे ना, तो देखिए कितने सुंदर बना रही दिल्ली सर। इस टाइम झुग्गी तोड़ने का हम बात करें तो अच्छा है, वो G20 बनाए चाहे कुछ भी बनाए, जब तक हमारे झुग्गी झोंपड़ियों वाले भाई बहन सुरक्षित नहीं होंगे, बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, हम वही जो चल रहा है सिस्टम हम उसी को फॉलो करेंगे। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो फिर वहां मकान क्यों नहीं, झुग्गियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? किसने बोला था ये किसने बोला था पहले बताओ किसने बोला तो प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछो ना। एक काम करो आप सब, एक मिनट, आप सब मीडिया वालों से एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप झुग्गी झोंपड़ी चाहते हो कि वो बच जाए, वो ट्वीट ट्वीट खेलते हैं, आप मिलकर ट्वीट करो, फिर हम देखेंगे कि क्या जवाब आता है। सर जैसे झुग्गियों की बात, झुग्गियां टूट रही हैं जगह जगह पे देखा जा रहा है, तो झुग्गियों में ज्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप लोहा मंडी झुग्गियों में आ जाओ, नारायणा की लोहा मंडी झुग्गियों में आ जाओ, वहाँ पे ब्राह्मण समाज भी है, वहाँ पे मुस्लिम समाज भी है, मैं आपको वहाँ पे सिख भी दिखा दूंगा। कई झुग्गियां ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जहाँ पे सिख जो मजदूर आते हैं, जो बहुत गरीब परिवार के हैं, वो भी रहते हैं। आप इसको जातिवाद में मत लो, SC ST में मत लो, रिलीजन में मत लो, ये झुग्गी वाले का कोई भी धर्म, एक मिनट, झुग्गी वालों का कोई धर्म नहीं होता, झुग्गी वालों का धर्म होता अपने बच्चों को पालना, अपने घर को पालना, सुरक्षित रखना। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों को कि झुग्गी वालों को धर्म की राजनीति और कास्टिज्म की राजनीति से, रिलीजन की राजनीति से दूर रखिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे जो पार्टी हमारी रणनीति बनाएगी उसको हम आगे लेके चलेंगे, और झुग्गी झोंपड़ियों वालों को हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना।